फ्री टाइम कितना मिलता है एनएसयूटी में? टू बी ऑनेस्ट फ्री टाइम इज डिसेंट, लाइक इट्स नॉट दैट क्रेजी. एनएसयूटी बेटर है, कल्चर है एनएसयूटी में. गनी से सेटिंग इज सेट अप, रिकॉर्ड इज नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो. गर्ल्स आ रहे हैं, यस ऑपोजिट है, होपफुली डोंट पुट दिस. So, कैसे हैं आप सब लोग? मैं गनी वर एक और अमेजिंग वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें मैं एनएसयूटी के स्टूडेंट से पूछूंगा कि उनकी अभी तक की कॉलेज लाइफ कैसी रही, उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्या क्या मजेदार सीन्स रहे, मोक्षा कैसा गया, और भी बहुत सारे अमेजिंग क्वेश्चंस. और पैकेज लगेगा नहीं कौन सी ब्रांच में, तो ये तो जरूरी है ना. तो ये सारे सवाल मैंने पूछे हैं और मैं होप करता हूँ कि आप वीडियो को एंजॉय करोगे. तो चलो चलते. एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? पहले सब्सक्राइब बटन ठोक दो और लाइक का बटन भी ठोक देना, और अगर हेल्पफुल लगे तो शेयर जरूर कर देना. वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि हो सकता है कि सबके अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, किसी का कुछ अच्छा होता है, किसी का कुछ बुरा भी होता है. तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना. चलो फ्रेंड्स सर्कल कैसा मिला? फ्रेंड्स सर्कल फर्स्ट यार ऑनलाइन में तो फ्रेंड्स नहीं बनता है, लेट्स बी ऑनेस्ट. इधर आके मैं हॉस्टल में जब ज्वाइन किया तब जाके मेरी फ्रेंड सर्कल बनी थी. बॉयज हॉस्टल में रहते हैं, जानवर जो बोल सकते हैं. सो हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस इन एनएसयूटी? इन वन वर्ड इट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग. नए फ्रेंड्स बना रहे हैं, बस कुछ चीज़ें सीख रहे हैं. दो तीन चीज़ों की कमी है, एक अटेंडेंस का इशू अगर थोड़ा सा कम कर दें, और बंदी की तलाश जारी है. अगर वो मिल जाए तो थोड़ा बेटर हो जाएगा. तेज हो रहे हो हैं, बहुत तेज हो रहा. कुछ ज़्यादा खास नहीं रहे क्योंकि थोड़ा बोरिंग है कॉलेज. Even mine has been like, I mean, good. Like, if because I haven't done practically anything on campus. हाँ, तो जितनी भी मजे मैंने करे हैं college life में सारे खुद से करे हैं outside college and campus. It's always like first year just having fun. So I've had a lot of fun outside NSUT. But NSUT is okay. मतलब apart from attendance के issues, I think there's not a big deal I feel with the college. Lot of room for growth. Yes, I can do that. अगर हम करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या. Not that, not up to my expectation, but it was nice. YouTube पे बोल नहीं सकते कुछ चीजें, वरना मैं कुछ काफी अच्छे दोस्त बने मेरे, no doubt. It was nice, like okay. So far it's been okay. It's been pretty real. Yeah, that's okay. एनएसयूटी क्यों ड्यूटी क्यों नहीं? और अभी जिस ब्रांच में ड्यूटी में मिल रही थी क्या? अरे बिल्कुल मिल रही थी, मैं रैंक छोड़ो यहाँ इसलिए क्योंकि यहाँ का आसपास ना बहुत अच्छा है, जैसे द्वारका है घूम सकते हैं. वहाँ ड्यूटी में ऐसा नहीं है. मोस्ट ऑफ द कॉलेज मैंने देखा है कि ऐसा है नहीं कि आसपास में कुछ अच्छी इस तरह का लाइफ हो, जैसे मॉल वगैरह कुछ. क्योंकि ये द्वारका में था, घर के पास था. हाँ, मेरे घर के पास था बेसिकली. यस एंड कुछ लोगों ने चलते फिरते कहा था कि टेक ब्रांचेस के लिए एनएसयूटी बेटर है. कल्चर है एनएसयूटी में. मंधतरवाल बेसिकली. एक्चुअली जाना मुझे ड्यूटी हुई था, बट वो सम हाउ काउंसलिंग में मिल गया मुझे एनएसयूटी, तो ठीक है क्या ही कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेक वाले हैं नहीं, हम बीएफ टेक वाले हैं. सो एनएसयूटी में फैशन टेक्नोलॉजी का कोर्स था जो कि फैशन से रिलेटेड, फर्स्ट टाइम आया है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा. सो एंड डी ट्यू में डिज़ाइन कोर्स था, फैशन का नहीं था कोर्स. एंड डू दिस ऑल बट ओके मी वाई एनएसयूटी नॉट डी ट्यू बिकॉज आई डोंट नो. ओके आई जस्ट हर्ड दैट एनएसयूटी हैज लाइक अ बेटर रेपो, सो आई वाज लाइक ओह एनएसयूटी. बॉयज टू गर्ल्स रेशियो कैसा लगता है? बॉयज टू गर्ल्स रेशियो आई मीन एक्सपेक्टेड इंजीनियरिंग कॉलेज से, ऑल दो थोड़ी गर्ल्स कोटा है हमारे कॉलेज में तो बेटर है इस मामले में. डी टी से अनदर रीजन. I mean, yeah, I mean, it's pretty fine. Like, being a girl, I see men all around. There's a lot of testosterone. But, I mean, that's what you would expect from an engineering college. So, it's pretty. My class is more. Girls are more? Yes. Opposite. Boys to girls ratio, how does it feel? Kafi kam hai, let's be honest. Like, 10 is to 1, we need more girls. Aye, chalo, NSUT mein to placement to lag jayegi. Lekin, ladki ka kya scene hai? लड़की के भाई टच वुड कमी नहीं है. सो योर वर्स्ट एंड बेस्ट एक्सपीरियंस इन कॉलेज? माय वर्स्ट एक्सपीरियंस आई रियली कांट थिंक ऑफ एनीथिंग एट दिस पॉइंट, बट माय बेस्ट वाज प्रोबब्ली मोक्षा नाइट 2 व्हेन केके हैड कम. दैट वाज अ वेरी मेमोरेबल नाइट फॉर ऑल ऑफ अस. बेस्ट
बेस्ट रहा है कि मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड सर्कल्स हैं, काफ़ी अच्छी सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बने हैं. एंड वर्स्ट लाइक एग्जाम्स कभी भी हो जाते हैं बिना बताए. बेस्ट कि मैं कॉलेज नहीं जाता था, तभी मेरी बक्सी लग जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम. Man, best memories have been, I don't know, having fun hostel mein with the people there, like nothing directly. Best to ye tha ki jab societies mein induction hota hai to bahut sari party karne ko milti hai. So parties is the best experience in NSUT. And the worst to aisa kuch nahi hai, bas thoda hectic academic schedule yahi sab hai aur wagaira, to baaki sab to theek. Best memory for me is Moksha. Moksha was by far. Yeah, true that. Worst experience basically every other day every working day you have to like beg for attendance and you know sari cheeze hi thodi downside pe rahi hai. It's like relatively down, koi kuch bhi aisi peak usme nahi tha down ki aur niche chala gaya. To wo jo mixing mein jo kehte hai ekdam se le aate 75% criteria. Oh, but ha that was thoda bad, did not matter meri attendance. Oh yeah, worst experience होगा the re-exam मैं यही बोला था CP का re-exam. It was like dreadful क्योंकि देना पड़ा था, इतनी मुश्किल से तो पहले एग्जाम में कुछ करा था, बट ठीक है, हो गया वो भी somehow कर ही लिया. इधर और थोड़ा सा पीछे आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक बटन दबा देना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना. आगे और भी अमेजिंग वीडियोज़ लाता रहूँगा, प्लस आपको एक डिटेल रिव्यू वाली वीडियो भी आपको कुछ दिनों में दे दूँगा. सो डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द लाइक बटन एंड सी इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय.